माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, साथ ही साथ इस पर दो थ्योरम्स भी हैं जो कि एडिशन वेक्टर फॉलो करता है, उन दोनों थ्योरम के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर को जोड़ने के लिए कितने लॉ होते हैं और कौन कौन से लॉ होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं वेक्टर को जोड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं। डिवाइड रेयर केस में, बट ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो एडिशन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बस डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाता है। सब कुछ सेम है, वो सभी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, जो कि सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्केलर में वेक्टर का कर सकते हो, वेक्टर में वेक्टर का, स्केलर का स्केलर में, ये सभी कर सकते हो। बट जब आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, सिर्फ वेक्टर का वेक्टर में कर सकते हो। स्केलर का स्केलर में तो होता ही, आप जानते हो स्केलर का वेक्टर में कोई भी एडिशन नहीं हो सकता। आप तीन में आई कैप थोड़ी जोड़ोगे, थ्री प्लस आई कैप ही लिखोगे, बट मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है थ्री आई कैप। वही सब चीजें हम लोग पता लगाने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की, क्या होता है वेक्टर लॉ का एडिशन नियम, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज वी हैव टू वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारा वेक्टर ए एंड दूसरा हमारा वेक्टर बी। अगर ये किसी एंगल पर है, समझना मेरी बात, अगर ये किसी भी एंगल पर हैं तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर ए इस प्रकार हो गया, और इसके लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो भी हम आगे बताएंगे, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और मान लीजिए ये थीटा एंगल पर एक दूसरे से हैं, तो इनका जो एडिशन होगा, इनका जो एडिशन होगा वो क्या होने वाला है वो पूछा जाए। वैसे जनरली समझ लो, अब इसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट निकल सकता है, इधर रिजल्टेंट निकल सकता है, बट एडिशन भी कई प्रकार के होते हैं। अभी हम दो प्रकार के बताएंगे दोनों नियम से, वो सभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बट जनरली अगर आप समझो, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स, एक इधर ही डायरेक्शन इसका भी है और इसका भी इधर ही डायरेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा। बट अगर आप वेक्टर ए देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, एंड वेक्टर बी भी कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर बी, तो इसका जो एडिशन होगा ये क्या होगा, वेक्टर सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वही चीजें हम लोग पता लगाने वाले हैं। बातें समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना, किस प्रकार आप जानोगे एडिशन क्या होता है। तो आप यहां पर वेक्टर सी क्या कह सकते हो, जैसे वेक्टर बी इधर डायरेक्शन में है, वेक्टर ए इधर डायरेक्शन में, तो आप इसे बोल सकते हो ये इक्वल होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। तो वही सब चीज हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग दो नियमों से। एंड इसका अगर रिजल्टेंट निकालना चाहे तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो भी हमारा थीटा है वो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ये आती है। अगर यहाँ पर दो कंडीशन होती, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये कुछ 90 डिग्री पर ए और बी हो जाए, तब थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इंटू में जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू हमारी जीरो हो जाए तो यहाँ पर आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। ये फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, आर की वैल्यू बची, आर इज इक्वल टू ए प्लस। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर होता है नहीं? अब हम एक्चुअल लॉ पढ़ने वाले हैं, किस लॉ से हम इसको एडिशन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपने देखी, जैसे वेक्टर सम हो गया एंड रिजल्टेंट हो गया। अगर हम चर्चा करें इसके फर्स्ट लॉ की, जो कि हमारा ट्राइंगल लॉ है, फर्स्ट लॉ की जो कि हमारा ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ में हम किस प्रकार से इसको ऐड करते हैं सबसे पहले समझेंगे। ट्राइंगल लॉ में हम लोग किस प्रकार से ऐड करते हैं एंड उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल लॉ में आप यही चीज़ जो रिजल्टेंट, देखो कुछ ऐसा है नहीं, आप जनरली जो फार्मूला हमने बताया आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू में कॉस थीटा,
तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसे आप याद करो, इसका आप डेरिवेशन देखोगे, वही चीज ट्राइंगल लॉ में भी देखोगे, वही चीज पैरेललोग्राम में भी देखोगे। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम में कुछ अंतर है, पहले ट्राइंगल लॉ आप समझ लीजिए, पैरेललोग्राम में कुछ अंतर है, वो अंतर क्या है वो अभी हम समझा देंगे। तो आप वही चीज डेरिवेशन करने वाले हो कि कहां से आया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा स्क्वायर रूट में, कहां से आया आखिर ये। तो चलो हम पहले सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग, एक हम ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल मतलब है कि कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है जहां से एक हमारा है वेक्टर ए, वेक्टर ए, और दूसरा हमारा क्या है वेक्टर बी, वेक्टर बी, कुछ इस प्रकार से। अब हमें यही फॉलो करना है, मान लीजिए ये अल्फा एंगल पर झुके हुए हैं, मान लिया ये कितने एंगल पर हैं, अल्फा एंगल पर झुके हुए हैं, ठीक। नाउ अब अगर हमें पता लगाना होगा, समझिएगा, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, इधर ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी वेक्टर ए है कुछ इस प्रकार से, वेक्टर ए इस प्रकार से, एंड वेक्टर बी कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर बी कुछ इस प्रकार से है। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इसको एडिशन निकालना, रिजल्टेंट कब निकलेगा, इसके पहले जो इसे हमने बताया उसका रिजल्टेंट निकलेगा, बट इसका क्या निकलेगा, एडिशन निकलेगा। तो आप इसका एडिशन कैसे निकाल सकते हो, आप बताओ, आप बताओ, ये इसका एडिशन ये होगा, होगा कि नहीं होगा। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको हम मान सकते हैं वेक्टर आर, मान लेते हैं इसका एडिशन जो है वो है वेक्टर आर। अब हमें वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है, हमें वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे आइए देख समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक हमने इसे आगे बढ़ाया, हमने क्या किया इसे आगे बढ़ाया, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर ये पॉइंट, देखिएगा ये पॉइंट का नाम क्या है यम, मान लो यम, इसका पॉइंट नाम यन, इसका नाम ओ। यम पॉइंट पर देखिए वेक्टर आर भी वहीं से जा रहा है, वेक्टर ए भी वहीं से जा रहा है, तो हम जो थीटा लेंगे वो ये वाला लेंगे, जो थीटा लेंगे वो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, यही समझना है आपको, थीटा लेंगे ये लेंगे, यही बताएंगे ना, ये थीटा एंगल से वेक्टर भी इधर है, और वहीं पर वेक्टर आर जो है वो अल्फा एंगल से, आप कुछ भी अल्फा थीटा इसे ले सकते हो, अल्फा उसे ले सकते हो, बट एंगल आप समझना चाहिए, जो वेक्टर आर होगा वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर होगा, हम ऐसे कह सकते हैं, और जो वेक्टर बी होगा वो इस प्लेन से, वेक्टर ए के प्लेन से वो थीटा एंगल पर होगा, ये हम बोल सकते हैं, वो अलग अलग कहने का तरीका है। नाउ अब अगर यही चीज हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे इस पे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसे हम बना सकते हैं पी, इसे क्या कह सकते हैं हम पी। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको समझ में आ गया, हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इन ट्राइंगल एम एन पी आप लिखेंगे यहां पर, इन ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी में, इन ट्राइंगल एम एन पी, यम यन पी में, ट्राइंगल एम एन पी में, यम एन पी क्या है, एक एक कौन सा ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ 90 डिग्री में ट्राइंगल एम एन पी में। एम एन पी में आप क्या लगाओगे, जो स्क्वायर होता है किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इसमें क्या है, यम एन, यम एन का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके स्क्वायर के बराबर, एन पी स्क्वायर प्लस यम पी स्क्वायर होगा, मतलब जो आपका ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। एम एन की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, वेक्टर आर है, वेक्टर आर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर ही होता है। एन पी की वैल्यू क्या है, एन पी, एन पी बताओ, एन पी हमें निकालना है, हमें नहीं पता एन पी के वैल्यू क्या होती है, एन पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, एम पी की वैल्यू क्या है, एम ओ प्लस ओ पी लिख सकते हैं भाई, एम पी है इसे लिख सकते हैं एम ओ प्लस ओ पी, अरे भाई यही तो लिख सकते हैं ना, ये इतना एम ओ प्लस ओ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर है, एम पी को हम लिख सकते हैं एम ओ प्लस ओ पी, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे एम ओ प्लस ओ पी का होल स्क्वायर,
क्यों? अब हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, एन पी का होल स्क्वायर प्लस में यम ओ, यम ओ की वैल्यू क्या है वेक्टर ए, प्लस ओ पी की वैल्यू क्या है, ओ पी की वैल्यू भी हमको नहीं पता, वो भी हमें निकालनी है, निकाल लेंगे बिल्कुल आर स्क्वायर, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक सबको कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक सबको कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें हम जान गए, बट अभी भी कुछ चीज़ें अभी हमें निकालनी है, क्या एन पी की वैल्यू क्या होती है एंड ओ पी की वैल्यू क्या होती है। एन पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ले लेंगे ओ एन पी, ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एन पी में, ओ एन पी ट्राइंगल में, ओ एन पी में क्या आप देख रहे हो, ओ एन पी में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ एन पी में, तो या फिर आप सिंपल ये समझो इसे आप कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये है हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, इसे अगर आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा, बताओ मतलब ये पार्ट टोटल, ये पार्ट क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये वेक्टर बी है तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, एंड ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा, तो ये भी हमारा वेक्टर बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा भाई, पैरेलल में है तो वेक्टर बी साइन थीटा ये भी हो जाएंगे। तो एनपी की वैल्यू क्या आई, बी साइन थीटा, और ओपी की वैल्यू आई बी कॉस थीटा, एनपी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा और ओपी की वैल्यू आई बी कॉस थीटा, हम वैल्यू रख सकते ही नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, आप वैल्यू रखिए, आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ एन पी में, आप देख पा रहे हैं क्या मिला आपको, कि जो एन पी की वैल्यू है वो क्या है बी साइन थीटा, और जो ओ पी की वैल्यू है वो हमारी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू में ओ पी, यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना, एन पी का होल स्क्वायर, एन पी की वैल्यू क्या आपने देखा बी साइन थीटा, बी साइन स्क्वायर थे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस ओ पी की वैल्यू क्या आपने देखा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a into op की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा, यहाँ से देख सकते हैं आप a स्क्वायर हमने आगे लिख लिया प्लस b स्क्वायर इन दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस में 2ab cos थीटा, तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो r की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। नाउ नोट कर लो सब लोग, आया ना समझ में सबको, क्लियर होता है 100%? यस यस गाइस, बताओ सब लोग सबको क्लियर होता है, लिखो फटाफट से यस आर नो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो देखा वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर है तो इसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए प्लस बी, यही देखा है, डोंट वरी उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा वैल्यू 90 डिग्री मतलब वेक्टर ए इधर वेक्टर बी इधर, तब इसकी वैल्यू क्या होगी आर की वैल्यू ना 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, कॉस 90 वैल्यू जीरो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कॉस 90 की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। नाउ अगर ये एक ही डायरेक्शन में है मतलब अगर थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री मीन्स वेक्टर ए इधर है आगे वेक्टर बी ही है, तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कैसे आर की वैल्यू लिखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है टू ए बी,
टू ए बी तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मिलेगा आर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी होल स्क्वायर बाहर निकल आएगा। ये कुछ उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेक स्क्रीनशॉट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चले। टेक स्क्रीनशॉट, आपको समझ में आना कैसे मिला आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यस गाइस, आपको समझ में आ गया ना आर बराबर कैसे मिला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब यही चीज हम निकालने वाले हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड में भी ऑप्शन है कि आप क्यों दूसरा मेथड लगाते हो। चलो नेक्स्ट हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अप्लाई कब होता है? जैसे मान लो हमें ट्राइंगल ला से सब कुछ निकल जा रहा था, हम पैरेललोग्राम कब अप्लाई करेंगे बताना। पैरेललोग्राम कब अप्लाई करेंगे? पैरेललोग्राम हम अप्लाई करते हैं व्हेन कोइनिशियल वेक्टर होता है, मतलब जब हमारा वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर हो जाए तब हम अप्लाई करते हैं पैरेललोग्राम ला। मतलब यहां पर हम कब अप्लाई करते हैं? जब ये हमारा होता है को इनिशियल वेक्टर। जब हमारा को इनिशियल वेक्टर होता है तब हम पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं। और इसके बारे में समझ लेते हैं, कोइनिशियल वेक्टर मतलब एक ही पॉइंट से दोनों शुरुआत हो। अभी तक क्या हो रहे थे? अभी तक आपने देखा वेक्टर ए इधर जाता था एंड वेक्टर बी इधर जाता था, एक पॉइंट से नहीं हो रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, वेक्टर ए इधर जा रहा है तो वेक्टर बी इधर से जाएगा, जैसे हमने पहले एक बार बताया था कुछ इस प्रकार से। ठीक, नाउ कोइनिशियल वेक्टर सबसे पहले आप ले लेंगे। आओ सबसे पहले हम कोइनिशियल वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, क्या क्या यहाँ पर देखो, यह है आपका कुछ वेक्टर ए एंड ये हमारा है वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर बी ना, अभी देख रहे हो आप कोइनिशियल। इसके पहले ट्राइंगल ला क्या इसमें लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ट्राइंगल ला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो एक इधर गया एक इधर गया, उसका सम ऐसे निकालते थे हम। बट इसका सम ऐसे नहीं होगा, जब आप कोई इनिशियल वेक्टर निकालते हो तो इसका रिजल्टेंट निकालते हो आप, याद होगा आपको। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पैरेलल फॉर्म में कर लेते हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे? और समझते हैं हम क्या करेंगे, जितनी लाइन ये बड़ी है उतना इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसे इस प्रकार से मिलान कर देंगे। ये कुछ पैरेललोग्राम के फॉर्म में आ गया, मतलब स्क्वायर थोड़ा तिरछा। ठीक, नाउ अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये इसका रिजल्टेंट, निकल गया। इस पर भी हम एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ये देखिएगा और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और उसको हम मान लेते हैं बीटा। कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। मतलब वेक्टर बी से जो वेक्टर ए है वो बीटा एंगल पर झुका हुआ है एंड जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल पर झुका हुआ है और ये हमारा थीटा एंगल पर आप देख ही पा रहे हो। नामकरण कर दें इसका? जी बिल्कुल, नामकरण तो होना ही चाहिए, नामकरण कर दिया जाए एकदम बढ़िया से। नामकरण क्या है इसका? कुछ भी रख दो, ए पी क्यू आर एस रख देना, पी और इसकी वैल्यू क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक, पी क्यू आर एस टी। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए आर टी, आप देख पा रहे हो ना, ए आर टी लेंगे, इन ट्राइंगल, ए आर टी, ट्राइंगल में, और ये क्या हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है बन रहा है, ए आर टी, देख पा रहे हो ना। ए आर टी में आप देख पा रहे हो क्या होगा, ए आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर टी का स्क्वायर, यही होगा। नाउ ए टी क्या है हमारा, ए टी को लिख सकते हैं ए एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस में आर टी का होल स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो, ये आप कर ही सकते हो ना। नाउ
इतना तो सबको क्लियर हो गया। इसे बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए आर का होल स्क्वायर, इसे बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम देख लेते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से, इन ट्राइंगल आर एस टी ट्राइंगल में देखेंगे, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एस टी डिवाइड बाय हाइपोटेनस आर एस। एस टी की वैल्यू क्या है, एस टी नहीं पता, आर एस की वैल्यू वेक्टर है, जब ये वेक्टर है तो ये भी हमारा वेक्टर ही होगा अपान ए, तो यहाँ से एस टी की वैल्यू निकल जाएगी ए कॉस थीटा। सिमिलरली आप देख सकते हो साइन थीटा, अगर हम निकालें साइन थीटा तो इसका की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या वैल्यू है, आर टी अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर एस। आर टी की वैल्यू क्या है, आर टी ही, आर एस की वैल्यू ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर टी बराबर ए साइन थीटा। ये सभी वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जब ले जाकर रखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिलेगा क्या हमको, आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या, ए आर का स्क्वायर, ए आर की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एस की वैल्यू क्या है, ए एस देखो वेक्टर बी, बी प्लस एस टी की वैल्यू ए कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस में आर टी की वैल्यू ये देख रहे हो ए साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, ये हमको मिले क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। नाउ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो वहाँ पर वन हो जाती है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है, आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। ये चीज़ें हुई आपकी, और इसी प्रकार आप बता सकते हो इसमें, और ये आप कह सकते हो आगे, जैसे हमने पहले बताया कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा वैल्यू 0 रख के भी हम वैल्यू इसको निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पर कंडीशंस भी अप्लाई कर लीजिए। सो टेक स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ सब लोग हमें बताओ क्या सबको समझ में आया, चैट सेक्शन में सब लोग लिख के तुरंत बताइए समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, हटा दें इसको, थ्योरम नंबर फर्स्ट, वेक्टर एडिशन इज कामुटेटिव लॉ। देखो ये दो नियम को फॉलो करता है, कौन कौन सा, एक तो वेक्टर एडिशन कामुटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। कामुटेटिव लॉ क्या होता है एंड एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, वो सभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कामुटेटिव लॉ होता क्या है। जो वेक्टर एडिशन है वो कामुटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है एंड एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कैसे और देखते हैं, इसका प्रूफ भी बताएंगे, डोंट वरी। कामुटेटिव लॉ क्या कहते हैं, कॉमुटेटिव लॉ का मतलब है अगर आपका मिला है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी तो इक्वल टू होना चाहिए वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए, अगर ये इक्वल हो रहा है तो ये हमारा क्या है, कॉमुटेटिव लॉ। और हम प्रूव करके देखेंगे कि क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। आप तो जनरली जानते हो को होता है, बट हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए, हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आप क्या करेंगे, एक वेक्टर बना देंगे वेक्टर ए, ये दूसरा हमारा हो जाएगा वेक्टर बी और इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार से हम बना लेते हैं कि वेक्टर बी कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर बी इस प्रकार से है एंड वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से, ताकि हम आसानी से निकाल पाएं।
इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, ओ ओरिजिन पॉइंट ए बी से, ये सभी वेक्टर हैं हमारे। ठीक ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो ओ बी है ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है। हमने क्या किया, ओ पॉइंट से हम चले वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब यहां से ओ पॉइंट से सी पर जाओगे तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए निकालोगे, पहले समझो, पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालोगे, फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए निकालोगे। अगर दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही हो तो वो हमारा कामुटेटिव लॉ फॉलो करता है। नाउ आइए देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है या फिर दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है। चलिए अगर हम देखें वेक्टर आर की वैल्यू निकालो, ये है हमारी 90 डिग्री, हम जानते हैं ये भी हमारा 90 डिग्री, हम जानते हैं कि ओ बी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर, मतलब वेक्टर आर की वैल्यू क्या निकलेगी, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए में अगर हम देखें तो हम जानते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, उसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने प्रूव किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, एंड आप समझना ध्यान से, वेक्टर आर की वैल्यू आ गई ये वेक्टर आर, और वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर इन दोनों का एडिशन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन है, उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड वेक्टर बी और वेक्टर ए का एडिशन क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी में देखेंगे जो वेक्टर आर होगा वो किसका एडिशन है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का तो होगा नहीं, डायरेक्शन देखो पहले वेक्टर बी है तब वेक्टर ए, ऐसे थोड़ी चलोगे, माइनस में हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का एडिशन है, इसकी वैल्यू निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी ए, कॉस थीटा होती है, कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 वैल्यू 0, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में दिख रहा है, अभी वेक्टर के रूप में तो है नहीं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, आप इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मिला वेक्टर आर, और ये वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वैल्यू सिमिलर आ नहीं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये होल्ड कम्यूटेटिव ला को होल्ड करता है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये प्रूव होता है। क्लियर हुआ सबको, यस गाइस बताइए क्लियर होता है सबको, हटाया जाए इतना बताना सब लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब ये एक एसोसिएटिव लॉ भी होता है वेक्टर एडिशन, आओ उसको भी चर्चा कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है। एसोसिएटिव का मतलब है अगर आपको मिला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, इस प्रकार से ये इक्वल होना चाहिए वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस प्रकार अगर इसको होल्ड कर रहा है तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। यहां पर तीन वेक्टर आप यूज करोगे तब ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। यस गाइस बताओ सही है या नहीं। चलो अगर अब हम इसे देखें, इसको सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, ये इनिशियल पॉइंट हो गया वेक्टर ए, ये हुआ हमारा वेक्टर बी, इसे अगर जोड़ दें, नहीं चलो इधर बना दे पहले, ये हो गया हमारा वेक्टर सी, कुछ तीन प्रकार के वेक्टर्स हमें लिखे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। नाउ अब आप देखो ध्यान से तीन वेक्टर हमने एक ही लाइन में ले लिया, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा उसी प्रकार से हमने ले लिया। ना अगर हम देखें तो ये लाइन अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा,
ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ये क्या निकले हमारा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। एंड इसको इसको अगर हम मिलान करें तो ये क्या निकले हमारा वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो वेक्टर बी इधर जा रहा है वेक्टर सी इधर जा रहा है, तो ये क्या निकलेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही तो निकले ना वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलो नाउ अब हम देख लेते हैं इसको, हम वैसे जनरली मिलान कर देते हैं एक अच्छा आकार देने के लिए, ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा कुछ फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ना अगर हम देखें तो यहां पर हम मान लेते हैं क्या ओ ए को, ये वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें ये हो गया ओ ए बी सी, यहां पर आप क्या मानेंगे लेट ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड बी सी इक्वल टू वेक्टर सी, कुछ इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब हम आज ज्वाइन करते हैं तीनों को, देख पा रहे हैं ओ ए ओ बी और ओ सी के हमने क्या किया ज्वाइन किया। जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले हम एलचस ले लेंगे, अगर हम एलचस से आरचस को प्रूव कर पा रहे तब तो ये हमारा एसोसिएट वाला प्रॉपर होल्ड होगा, अगर नहीं कर पा रहे तो ये हमारा प्रॉपर होल्ड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आइए हम लेते हैं एलचस, सबसे पहले क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको मिल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, एंड वैल्यू रख देते हैं वेक्टर ए की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिल रहा है ओ ए, वेक्टर बी की वैल्यू है आपकी ए बी एंड वेक्टर सी की वैल्यू है आपकी बी सी, कुछ इस प्रकार से, क्यों सही है ना, हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं ठीक इस प्रकार से। नाउ ओ बी प्लस बी सी, ओ ए क्या है ओ ए समझना ध्यान से ओ ए, अब देखो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी ये किसके बराबर है ओ बी के बराबर, ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर है ओ बी के बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस में बी सी, ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। अब ओ बी प्लस बी सी देखो ये ओ बी प्लस बी सी ये किसके बराबर है ओ सी के बराबर, इसे हम लिख सकते हैं क्या ओ सी, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया ओ सी के बराबर आया ना। अब इसी प्रकार हम आर्चस को भी लेकर प्रूफ कर लेते हैं, आर्चस को प्रूफ करेंगे, आर्चस क्या हमारा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वैल्यू फटाफट से रख दो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है ओ ए, कुछ करना नहीं बहुत सिंपल है, वेक्टर बी की वैल्यू ए बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू बी सी। नाउ ओ ए प्लस में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी देखो कहाँ है ये रहा ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी और बी सी ये टोटल हुआ हमारा ए सी, 10 मिनट आपकी क्लास और चलेगी बस लगभग कंप्लीट हो रहा है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है हमारा ए सी, ए सी मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा हो जाएगा ए सी के बराबर। एंड ओ ए प्लस ए सी किसके बराबर है देखो ओ ए प्लस ए सी ये किसके बराबर है ओ सी के बराबर है, मतलब फाइनल ओवरऑल आपका क्या आ रहा है टोटल आपका मिलकर क्या आ रहा है एलचस भी आपका इक्वल हो रहा है आरचस भी इक्वल हो रहा है, तो आपका ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। मतलब आपने देखा जो एडिशन वेक्टर था, एडिशन वेक्टर में आपने सबसे पहले ये देखा कि जो एडिशन वेक्टर होता है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है एंड कामुटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।